हाँ सो गाइस गुड मॉर्निंग, आज निकल रहे हैं हम लोग सूरत टू अहमदाबाद फॉर अ मोटर स्पोर्ट्स इवेंट, राइट। और ये देखो अपने दादा सुबह सुबह हमें यहाँ पे देखने आ गए। चलो निकलूँ, चलो भाई बाइक पे बैठते हैं एंड मीट यू गाइस इन मोटो व्लॉग नाउ। सो अपने राइड स्टार्ट हो गए, अब पहले फील अप करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से अपने लिए हाईवे पे। आई डोंट नो द एंगल अब कैसा है क्या है, रास्ते में चलते चलते सेट करेंगे, देखते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। एंगल तो ले ही लूं। सो पीपल जर्नी अपनी स्टार्ट हो चुकी है और लोग अपने अपने काम पे जाते हुए और हम घूमने जाते हुए, पर ये इवेंट मैं मिस करना नहीं चाहता था यार, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरा मिस हो गया था, ये इसका दूसरा साल है और यस कमाल का इवेंट होने वाला, खतरनाक। मतलब वो इवेंट कल है राइट, आज हम पहुंचेंगे सीधा अहमदाबाद और मिलेंगे अपने नवीन भाई से। ये वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस बार की इवेंट और लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था। इज़ दी होल एंड सोल फाउंडर ऑफ द गुजरात मोटर स्पोर्ट्स, राइट। हो अच्छा वेदर है आज, पर धूप भी आ गई है बाहर, सूरज देवता हमें मस्त गर्मी फेंक रहे, पर अभी इतना अच्छा है कि भाई माहौल ठंडा है। तो यस ऐसा ही पूरे रास्ते मिले तो टेंशन नहीं है, हमें आराम से निकल जाएगा अपने 5 घंटे तो। और इस बार तो मैं आराम आराम से जाऊँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं वहाँ पहुँचने की, क्योंकि आज वैसे भी कोई इवेंट है नहीं, तो शाम तक भी पहुँचे तो क्या ये दिक्कत है। वैसे तो दोपहर तो पहुँच जाऊँगा मैं, अभी बजे 8 सुबह के राइट, 8:15 हो गए हैं, अब से 5 घंटे मतलब 12-1 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं आराम से। हाँ बीच में कोई ब्रेक वेक दिया तो थोड़ा अप डाउन। सो पीपल वी आर ऑन हाईवे और यस अभी भी वेदर प्लेजेंट है, हमें यहाँ पे आने आने में लग गए हैं 30 मिनट 30 मिनट्स राइट। ओ भगाओ, इट्स फील्स लाइक फ्रीडम, ये भाई खुला रास्ता है, भगाओ अपनी मर्जी से, पर यस देख के। और आज है महाशिवरात्रि, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, जो भी हमारे महादेव के भक्त हैं, जो ना है उनके लिए भी। भोलेनाथ, एक दिन ऐसे ही केदारनाथ भी आऊँगा मैं, वो गारंटी है ये चीज़ की, वो भी बाइक पे ही आऊँगा। उसमें 2 ट्रिप करनी है मुझे, एक तो बाइक पे करनी है और एक हम करेंगे प्राची के साथ, तो अभी देखते हैं पहले कौन सी होती है और बाद में कौन सी होती है। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, यो बाबू। सो पीपल अपना यूजुअल ट्रैफिक, ये जो करोड़ा पार करते ही, और यहाँ पे हर बार ट्रैफिक रहता ही रहता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, किसी की गाड़ी बंद हो जाती या कोई क्रॉसिंग करता है या कुछ भी, ट्रैफिक होना कंपलसरी है यहाँ पे। भरूच और काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन हुई है, एवरेज स्पीड थी 70, 80, 90 राइट, उसके बीच में ही मैं क्रूज कर रहा था। इस बार तो मैंने 100 भी टच नहीं किया, आराम से चला रहा हूँ। 1 घंटे में हम लोग भरूच पहुँच गए, 50 किलोमीटर डन, वैसे तो 77 किलोमीटर दर अपने घर से, पर जब हाईवे हम लोग टच हुए थे राइट, वहाँ से लेके ये 50 किलोमीटर्स अराउंड है, तो 1 घंटे में पहुँच गए, 8:40 को पहुँचे थे 9:40 को यहाँ पे। नाइस वाइब मैन, नाइस वाइब, वेदर अभी भी प्लेजेंट है, मस्त है, धूप नहीं लग रही है क्योंकि पीछे है अपने। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल ब्रिज, और ये रही अपनी नदी, वाव। Till now journey is wow. हमारे दीप रंजन सचिन का ये डायलॉग है, ही इज ऑल्सो यूट्यूबर, उनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो ये अब मुँह पे चढ़ गया, जब भी ऐसा मन होता है ना कभी भी कुछ भी बोलना है, तो मैं Till now journey is just wow.
वैसी वाली बात है ये। हाँ उनकी चैनल भी फॉलो करो क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी राइड करते हैं और वो बहुत खतरनाक वाली राइड करते हैं और कंटिन्यूस राइडिंग है उनका, मज़ा आएगी देखने में आप सबको। और यस प्योरली मोटो ब्लॉग, प्योरली मोटो ब्लॉग, मज़ा आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यार कहीं पे, थोड़ा सा पैर सीधा करते हैं 70 किलोमीटर्स। देखो ये हमारा पता है क्यों होता है, 70-80 किलोमीटर्स में छोटा सा ब्रेक लेना, क्योंकि यार हम लोग कौन सा कंटिन्यूस राइड करते तो बैठने वाली जो पोजिशन रहती है ना वो थोड़ा सेट होने में टाइम लग जाता है। अगर कंटिन्यूस राइडिंग होता तो 100-150-200 खींच लेते एक साथ में, पर ये हमारा क्या है भाई 60-70-80 किलोमीटर्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक, वो 5-7 मिनट का, ऐसे जस्ट पैर फैलाए और निकल लिया। फिर ब्रेक है यहाँ पे अपना होल एंड सोल ऑनेस्ट ड्रिंक, राइट, थोड़ा सुसु ब्रेक, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते, भूख लगी है सुबह से, कुछ नहीं खाया है चाय के सिवाय मैंने। अपना यूजुअल नाश्ता यहाँ का फेमस है, दूसरा यहाँ पे ना फाफड़ा वो सब बहुत बस। पीपो समोसा खा लिया, बढ़िया था। वैसे यहाँ का फेमस जो है वो फाफड़ा है, जलेबी है, खमन है, ढोकला है, ये सब, पर वो ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी अभी। अभी बजे है आई डोंट नो, आई थिंक 10:15 हो गए होंगे, नहीं और 10 तो कब के बज गए, 11 बज गए होंगे, जो भी है टाइम ठीक है। निकलते अब यहाँ से 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया है, रिलैक्स हो गए, टांग वांग सीधी कर ली अपने। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, बराबर गर्मी लगेगी। सो लेट्स हॉप ऑन आवर बाइक और निकलते हैं यहाँ से, गर्मी बहुत है। सी यू ऑन द बाइक गाइस। यो 5 किलोमीटर्स डन अभी तक, वडोदरा अभी जस्ट हमने क्रॉस किया, अगर ब्रिज से नीचे जाते तो वडोदरा, और अहमदाबाद अभी आई थिंक 120 किलोमीटर, नहीं पता नहीं अभी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कोई भी बोर्ड नहीं देखा अभी तक। मज़ा आ रही है अभी तक राइड करने में बहुत ज़्यादा। और एक बहुत ही बड़ा मेरा हेडेक ख़त्म हो गया है जो था GoPro, पिछले 6 महीने से ऐसा था कि यार चालू करो अभी अटकेगा, अभी अटकेगा, उसके चक्कर में मैं बराबर ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। पर अब जब से ये नया आया है तो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, राइट, मस्त बढ़िया से एक क्लिक करो स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। अभी मुझे ना थोड़ा सा साउंड का देखना है क्योंकि साउंड का मैंने सेटिंग थोड़ा सा चेंज किया है, आई डोंट नो अब कैसा आ रहा होगा, क्योंकि जो पहले वाला था ना जिसमें मैंने डेड केट लगाई थी उसमें ज़रा सी भी बाहर की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो ब्लॉग ऐसा लगता था कि यार मैं क्या, रोड की कोई आवाज़ नहीं, कोई प्रेजेंस नहीं फील होती थी, ऐसा लगा कि कहीं पर मैं बैठ के बोल रहा हूँ और जर्नी देख रहे हैं आप। तो मोटो ब्लॉगिंग का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, पता है क्या, कि आपको विंड नॉइज़ भी आना चाहिए, आपको आजू बाजू की चीज़ों का आवाज़ भी आना चाहिए, राइट, तभी तो फील होगा ना कि आप 77 पर चल रहे हो, आप खुद बाइक चला रहे हो, तभी तो वो फील और वो चीज़ आपको महसूस हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं खुद अपने ब्लॉग काफ़ी बार देखता हूँ, मैं दूसरों को देखता हूँ, तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ हर बार इम्प्रूव करने की, जो होता है उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देने की, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो यस 80-80 पे क्रूज़ कर रहे हैं, मज़ा आ रही है, मुझे ना वो एक क्रूज़ वाला ले ही लेना पड़ेगा, आराम से लगाओ और चलाते रहो बाइक। भरूच के बाद ट्रैफिक बहुत कम हो गया है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाता है, बाकी रोड क्लियर है, मज़ा आती है ट्रैफिक के बिना चलाने में, ट्रैफिक होता तो कंटाला आ जाता है, क्लच दबाओ, गियर डाउन करो, ये करोना वो करोना है वैसा, और ऊपर से अपनी बाइक एकदम गर्म हो जाती है यार, फिर चपके देती है पैर में। तो सो फार जर्नी इज जस्ट वाओ। ब्रेक करने का जूस, सुबह से मैंने जरा सा भी पानी नहीं पिया, वहाँ पे भी पानी पीना भूल गया था। Thank you.
रिपब्लिक, ये कुछ ऐसा रूम है अपना, देख सकते हो। अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं और शाम को देखते हैं कुछ बाहर खाने जाए या न जाए, क्योंकि अभी तो मुझे भूख नहीं है। लेट्स सी, फिर देखते हैं, अभी तो 1 बजा है यार, दोपहर तक तो भूख लग ही जाएगी, 3-4 बजे तक तो। यस, लेट्स सी अब का क्या प्लान, आई डोंट नो एनीथिंग। अभी यहाँ पे कितने जन रुकने वाले वो भी नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं अभी पहला बंदा हूँ जो अहमदाबाद पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर रहने वाला हूँ। अभी एक बोल रहा कि पुणे का लड़का है जो आने वाला है यहाँ पे, तो लेट्स सी किसके साथ रूम शेयर करते हैं इस बार। जो जो हमारे कच्छ वाले देख रहे, याद है ना यहाँ पे क्या क्या मस्ती की थी हमने, अगर देख रहे हो तो याद करो, और पागलपंती जो हमने रात रात तो की थी रूम में बैठ के, सब याद करके मुझे मैसेज करो, बराबर कि नहीं। सी यू इन अ बिट, में थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ यार। सो गाइस, अपना नीचे आए हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स में ही खाना मिल जाता है यार। यस, एक सैंडविच ऑर्डर किया है मैंने, अभी बजे 3:15 और मुझे आ रहा है बहुत ही ज़्यादा कट्टा था, आई डोंट नो व्हाट टू डू टिल इवनिंग। इवेंट जो है वो कल की है, क्या करें, एक दिन पहले आना ही पड़ता है। वेटिंग फॉर माई सैंडविच। मस्त नींद पूरी की मैंने अभी 1.5 घंटे की, अभी 7:45 बजे शाम के, और सनसेट देखो यार, सनसेट बढ़िया। अभी हमारे रूम से इतना ही दिखता है, थोड़ा सा इसको लंबा है। तो यस, अभी कुछ करने को है नहीं, बहुत ज़्यादा बोर मारता है जब भी कभी ऐसी कुछ हो ना जहाँ एक दिन पहले पहुँचना पड़े, मुझे तो ज़रा सा अभी पसंद नहीं आती ये चीज़, क्योंकि ना पूरा दिन फिर कंटाला आता, कुछ करना नहीं होता है। एक तो शॉर्ट डिस्टेंस है, ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना होता है। 5 घंटे में तो पहुँच गए, 1 बजे तक कम में आया हूँ, उसके बाद 3:30 बजे तक टाइम पास किया, 4 बजे सो गए, 6:30 उठ गए। अब पता नहीं क्या करेंगे आज, ऐसी यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, सॉरी यार, क्या करूँ। और बाहर कहीं घूमने जाने का मन तो कर रहा है कि अहमदाबाद घूम, पर अकेला अकेला क्या ही करूँगा, बस तो बैठे बैठे सनसेट देख रहा हूँ, सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। मस्त बढ़िया सनसेट है, कलर्स अच्छे हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो में पसंद आया होगा, वो ट्रैवल वाला पार्ट ये तो ठीक है, अभी इसमें क्या ही है, पर कल धमाल होने वाली है, कल पूरा मोटर स्पोर्ट्स वाला दिन होने वाला है। कल सुबह 9 बजे से अपनी रेस स्टार्ट हो जाएगी, राइट, तो स्टे ट्यून गाइस, कल बहुत मज़ा आने वाला है, कल बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। आज तो सूरत टू अहमदाबाद की जर्नी आपको देखी है, राइट, पहले बंद करते हैं फिर बात करते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और रोज़ अच्छे लगे हो देखने में, और हमारी बकवास सुनने में अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या ही दिखाऊँगा, अब तो कुछ है नहीं, रात को देखता हूँ कुछ यहाँ वहाँ घूमूंगा थोड़ा बहुत, तो खाना खा लूँगा, तब कैमरा लेके नहीं जाऊँगा मैं, ऐसी मेरी इच्छा है, फिर पता नहीं, जस्ट आई एम थिंकिंग, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। See you in the next vlog, guys. Okay, tata, bye bye. And sorry for the yawn. आती है अभी, क्या करें, अभी सो के उठाऊं. Bye bye.